वाल्मीकि जयंती पर जयपुर में प्रगति दिवस समारोह में महिला बाल विकास राज्य मंत्री मंजू वाघमार ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की शासन सचिव डॉ आरुषि मलिक और एसीबी डीजी डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी शिक्षा विभाग ने समाधान पोर्टल और पॉलिटेक्निक प्लेसमेंट पोर्टल लॉन्च किया, जिससे छात्रों को नई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मंत्री मंजू वाघमार ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण में इंजीनियरिंग का पहला उदाहरण राम सेतु है। इसके निर्माता नल और नील इंजीनियर थे। उन्होंने आगे कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्लेसमेंट समेत कई उपलब्धियां हासिल की गईं। एसीबी डीजी डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और सामाजिक एकता पर उनके जीवन चरित्र से हमें सीख मिलती है। उन्होंने कहा कि आज समाज के समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के विचार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जो थे वो एक जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जो पहला एक राम सेतु बना था, जिसमें नल और नीर जो हमारे इंजीनियर थे, उसी को आज तकनीकी शिक्षा विभाग ने उसको जोड़ते हुए एक यहाँ पर एक जो अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेज से जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बच्चे लेकर आए हैं, एक इंजीनियरिंग के क्षेत्र के जो सारे बच्चे हैं वो अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं और इस महर्षि दयानंद जयंती के उपलक्ष्य पर इन्होंने एक इतना बड़ा एक आयोजन स्थापित किया है। निश्चित रूप से जो है तकनीकी शिक्षा विभाग उसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है। वाल्मीकि महर्षि जयंती पे ये जो प्रगति दिवस मनाया गया वो बहुत शानदार तरीके से आज आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश भर के जो हमारे युवा हैं, बहुत छात्र छात्राएं जो पॉलिटिकल टेक्निकल कॉलेजेस के आए हैं, अपने प्रोजेक्ट यहाँ लेके आए हैं। प्रदर्शनी में वो अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे और आज के इस शुभ अवसर पे टेक्निकल कॉलेज एजुकेशन द्वारा आयोजित ये जो कार्यक्रम है उसमें जो भी दिन भर की ये प्रदर्शनी चलेंगी, जो कार्यक्रम हुए हैं, ये सभी युवाओं और बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत है। आज हमने राज्य स्तरीय टेक फेस्ट का आयोजन किया है, जिसमें करीब जो हमारे सारे 47 पॉलिटेक्निक्स हैं, सभी जिलों से बच्चे आए हैं और करीब 700 के करीब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बच्चे हैं वो इस आयोजन से लाभान्वित होंगे। और महर्षि वाल्मीकि का जो रचित महाकाव्य रामायण है, उसी में राम सेतु जो फर्स्ट इंजीनियरिंग मार्वल है, उसका भी उल्लेख किया हुआ है। तो इस सब की भावना के रखते हुए आज हमारे जो समस्त 600 कॉलेजेस जो कॉलेज एजुकेशन के हैं और हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें भी महर्षि वाल्मीकि जयंती का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। लेकर बात करेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता योगेंद्र पंचोली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर एक कार्यक्रम हुआ, दो पोर्टल भी लॉन्च किए गए, कई तरह के उदाहरण वहां पर दिए गए। इस आयोजन में दिनभर किस तरह के कार्यक्रम हुए, क्योंकि प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है और खासतौर पर किस तरह से बच्चों को रोजगार उन्मुखी बनाया जाए, पोर्टल किस तरह से उनके लिए मददगार हो सकते हैं, इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए प्रभात, क्योंकि सरकार लोगों को और नए जो यूथ है उसको जॉब देने के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की तैयारी कर रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद ने उन्होंने वादा भी किया था कि हर साल इतने युवाओं को जॉब दिए जाएंगे, लेकिन आज जो टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन की तरफ से जो कार्यक्रम हुआ और खुद यहाँ पर मंत्री भी मौजूद रहे और प्रमुख सचिव भी यहाँ पर जो मौजूद रहे, इसके अलावा क्योंकि ये जो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, सबसे अहम इसमें ये भी होता है प्रभात की किस तरीके से जो नया यूथ है और जो नए बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनको जॉब दिया जाए और इस तरह के जो नए ऐप होते हैं और जिस तरह से पॉलिटेक्निक के आज स्टूडेंट्स थे उनको भी यहाँ पर कई प्रोग्राम जब इस समारोह के दौरान महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर जो कार्यक्रम हुए तो उनमें भी उनको बताया गया था कि ये सरकार की योजनाएं हैं, इन सरकार की योजनाओं से आम जो स्टूडेंट है, चाहे वो ग्रामीण प्रवेश का हो या फिर अन्य कहीं दूर दराज से रहने वाला हो, तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से तो उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा वो जो अन्य योजनाएं हैं उनके माध्यम से भी लाभान्वित हो सकते हैं और इसके अलावा
रोजगार के अवसर किस तरह से सरकार इन्हें उपलब्ध करा सकती है, इसके लिए भी उन्हें अलग अलग सेशन के माध्यम से चाहे प्रदर्शनी हो और किस तरह के जो नए इनोवेटिव आइडियाज जो कि टेक्निकल क्षेत्र से आने वाले जो बच्चे हैं वो सरकार के माध्यम से अपना इनिशिएटिव ला सकते हैं, किस तरह से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर ये आज का जो कार्यक्रम था उसमें उन्हें जानकारी दी गई, अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें खुद जो मंत्री है वो उन्हें मोटिवेट करती नजर आई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खासतौर पर युवा वर्ग को कैसे रोजगारों की तरफ क्या नए अवसर हैं, सरकार की तरफ से क्या नई योजनाएं हैं, उन सभी को लेकर यह कार्यक्रम था। कई प्रदर्शनियां यहां पर लगाई गई, कई सेशंस हुए जिनके जरिए उन्हें बताया गया कि कैसे अपने भविष्य को उज्जवल किया जा सकता है सरकार की तरफ से दी गई योजनाओं के जरिए। और साथ ही दो पोर्टल भी लॉन्च किए गए जिनका नाम है समाधान पोर्टल और पॉलिटेक्निक प्लेसमेंट पोर्टल।